उम्मीद है आप लोग पिछले लेक्चर से बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो आज हम अपने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को आगे मजीद ले जा रहे हैं, जिसमें हमने मैकेनिक्स और फ्लूइड एंड थर्मोडायनामिक्स क्लियर किया है। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन एंड मेल्स। ऑसिलेशन अब है क्या चीज, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। और ऑसिलेशन असल में वाइब्रेटरी मोशन है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी। अब ये कैसे टू एंड फ्रो मोशन है? ऑसिलेशन में हमारा एग्जांपल है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग ऑसिलेटरी मोशन कैसे है? स्प्रिंग को हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पर स्टॉप हो जाता है, यानी जब वो रेस्ट में आता है तो वो अपनी मीन पोजीशन को अचीव करता है। उसके बाद है पेंडुलम। तो पेंडुलम कैसा है, हम उसको फोर्स देते हैं, एक एक्सट्रीम पोजीशन को जाता है, वापिस आता है तो दूसरे एक्सट्रीम पोजिशन को आता है। उसके बाद जब ये फोर्स डिक्रीज होता है, ये पेंडुलम डिसेलरेट हो जाता है, तो आखिर में ये कहां पर स्टॉप होता है? अपने मीन पोजीशन में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। के टू एंड फ्रो मोशन मींस के एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट हो जाती है, टू वापस आता है फ्रो, और जब मीन पोजीशन को ये स्टॉप हो जाता है। उसके बाद है वेव्स। तो वेव्स क्या चीज है? वेव्स में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। ये बात याद रखनी होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की होती है, मैटर अपनी जगह पर रहता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? वाटर वेव्स है और स्ट्रिंग है। अब इसके टाइप्स क्या है? टाइप्स ये, अच्छा पहले एग्जांपल्स को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वाटर वेव्स कैसे वेव्स है। जब हम पानी में एक छोटा सा टुकड़ा डालता है तो उससे वो लहरें जाने लगती है, दैट्स वेव्स। अब स्ट्रिंग कैसे है? स्ट्रिंग में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग पर तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन वो रस्सी जो है वो अपनी जगह पर, उसकी मैटर, उसकी मास, वो सब बरकरार रहती है। अब टाइप्स क्या है इसकी? एक है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास दो चीजों से बना होता है, क्रेस्ट और ट्रफ। और अब क्रस्ट है क्या चीज? उसका जो अपर पार्ट है उसे क्रस्ट कहते हैं और लोअर पार्ट को ट्रफ कहते हैं। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास वेवलेंथ। क्या है? वो है वेवलेंथ। ये एक क्रस्ट या पर दूसरा क्रस्ट, और ये इसके बीच में हमारे पास क्या है? इसकी वेवलेंथ। ट्रांसवर्स वेव्स की हम जानेंगे कैसे कि ये ट्रांसवर्स वेव है क्या चीज। ये इसमें रेगुलर मोशन होता है। अगर ये क्रस्ट है तो इसके बाद ट्रफ आएगा, सेम डिस्टेंस होगा इन दोनों का। उसके बाद जो क्रस्ट आएगा, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट, ये दोनों सेम होगा, यानी इसमें रेगुलर मोशन होता है, एनर्जी रेगुलर अमाउंट में ट्रांसफर होती है। हर एक क्रस्ट में एनर्जी की अमाउंट सेम होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है? इसमें तो या पार्टिकल्स जो है वो बहुत करीब होते हैं या एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो जो करीब होते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जो दूर होते हैं उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। और लॉन्गिट्यूडनल में इररेगुलर मोशन होता है। ये बात याद रखनी होगी कि इसमें मोशन इररेगुलर होता है। अगर ये कंप्रेशन है तो यहाँ पर ज्यादा होगा, फिर रिफ्रैक्शन है यहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा, इसकी कोई मिकदार नहीं है। ये ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। और इसकी एग्जाम्पल है साउंड वेव। और ट्रांसवर्स वेव, उसकी एग्जाम्पल है वाटर वेव। स्ट्रिंग भी इसकी एग्जाम्पल है। तो इस तरह एक ब्रांच हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स भी फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, और लाइट का जो मैटर के साथ इंटरेक्शन है
वो क्या है, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं किस चीज के लिए, लाइट के लिए, और इन दोनों के लाइट और मैटर के इंटरेक्शन के लिए, जिसके थ्रू हम लाइट इंटेंसिटी वगैरह मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट या हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, किस तरह किस्म का लाइट उससे प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन और उसके उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, एक है मिरर, दूसरा है लेंसेज, आईज और टेलीस्कोप। तो ये तीन चीजें तो बहुत कॉमन है, मिरर, लेंसेज और आई। आई तो हमारा भी है जिसके थ्रू हम देखते हैं, लेकिन टेलीस्कोप जो है ये दूरबीन जिसके थ्रू हम दूर दराज के चीजें नजदीक करते हैं, इनके वो जूम करते हैं हमारे लिए और हम उसे नजदीक से देख सकते हैं। अब ऑप्टिक्स हमें डिस्क्राइब क्या करता है, वो हमें विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट के बारे में डिस्क्राइब करता है कि ये क्या क्या चीजें है, ये कहां पर विजिबल लाइट है, कहां पर अल्ट्रावायलेट है, कहां पर इंफ्रारेड लाइट है। तो विजिबल लाइट क्या है, उसका जो वेवलेंथ है वो है 382,740 नैनोमीटर जो हमें विजिबल है। इस वेवलेंथ में जो लाइट होता है वो उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट 10-400 नैनोमीटर वाला जो वेवलेंथ है उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद है इंफ्रारेड लाइट। तो इंफ्रारेड लाइट यहां पर जो 10-400 है ये वो वाला वेवलेंथ है जो विजिबल लाइट से कम होता है, लेकिन इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ है 700-1000 नैनोमीटर ये वाला वेवलेंथ ये विजिबल जो लाइट है, विजिबल रेज है, उससे ये वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसे भी नहीं देख सकते। अब ऑप्टिक्स के टाइप्स क्या है, इसके तीन टाइप्स है, एक है ज्योमेट्रिकल, दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स और तीसरा है क्वांटम ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, इसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं, लेकिन किस तरह के लाइट को, सिर्फ लाइट को हम एज अ रेज स्टडी करते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स को, इसमें हम लाइट को एज अ वेव स्टडी करते हैं, और क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लाइट एज अ पार्टिकल्स स्टडी करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। थैंक्स।